अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें हम ज्वाइन करवा के इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग के हवाले से बात की जाएगी आज। फ्रीलांसिंग एज ए बिगिनर कैसे स्टार्ट की जाए, और मुख्तलिफ नीशेज के बारे में बात की जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मुख्तलिफ मार्केटिंग की फिर आगे टाइप्स हैं उस पर बात होगी, और वेब डिवेलपमेंट के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह ओवरव्यू दिया जाएगा। दिस इज गोना बी अ वेरी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेशनल वेबिनार फॉर यू ऑल द पीपल इंशाल्लाह। बस दो एक दो मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, अगर हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर ले। आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करते रहें, इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज जो भी हैं वो इंशाल्लाह आंसर की जाएंगी, इंटरटेन किया जाएगा आपकी क्वेरीज को। और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगा मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रिजवान जफर के ऊपर इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेबिनार ऑन फ्रीलांसिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। हमारे साथ जो आज आपको अपने फ्रीलांसिंग के हवाले से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आपको गाइड करेंगे मुकम्मल कि एज ए बिगिनर आप फ्रीलांसिंग में कैसे जो है आप आगे एक्सेल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज आपको हम सबको गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अबू बकर फ्राम नस्ट, BScS फ्राम नस्ट, और ये GC यूनिवर्सिटी के यानी GC यूनिवर्सिटी से इन्होंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है और अभी नस्ट के अंदर BScS कर रहे हैं और माशाल्लाह एक कंपनी भी रन कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से एक्सपर्ट हैं और कंपनी रन कर रहे हैं जिसके ये खुद CEO हैं। वो तो कंपनी का नाम है जी डेव हब, ठीक है। और ये मजीद अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे और इसके साथ ही फ्रीलांसिंग के इस वेबिनार का आज आगाज करने लगे हैं, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, ठीक है। तो जी अब बकर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रिजवान, मेरी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आवाज आपकी क्लियर है। आप जो थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा दिया, मजीद आप बता दीजिए और आज के इस वेबिनार का प्रॉपर आगाज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी रिजवान। यार मैं नस से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ अभी, मेरा यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर है और हमारी जो कंपनी है DevHub, इट्स रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं। उसके अलावा एक और हमारी कंपनी है जो कि हमने पार्टनरशिप के साथ बनाई है, इंस्टा वाईफाई एक मुल्तान की कंपनी, उनके साथ हमने पार्टनरशिप में सरगोधा के अंदर एक कंपनी बनाई है जो कि वाईफाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं पूरे सरगोधा के अंदर, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के ऊपर हमारे कस्टमर्स मौजूद हैं जिनको हम लोग वाईफाई की सर्विसेज, नेटवर्किंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मैं अपवर्क के ऊपर मैं टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूं और उसके अलावा फाइबर के ऊपर मैं Level 1 सेलर रह चुका हूं, फिर मैं कम्प्लीटली अपवर्क के ऊपर शिफ्ट हो गया था। हमारी जो अब 80% मेजोरिटी जो क्लाइंट्स है वो हमारी लोकल मार्केट से है, जैसे लाहौर बार एसोसिएशन है, इसके अलावा न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीपल स्कूल्स हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स के अंदर शामिल है। तो आज का जो हमने वेबिनार एक कंडक्ट किया है वो है फ्रीलांसिंग जो कि मेडिकल स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। ज़्यादा ज़्यादा हमारा फोकस वैसे हर चीज़ पे ही है, मतलब कि हर बंदा इसे फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन कहीं कहीं हमने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी टच दिया। जी अबकर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। एक क्वेश्चन जो बारहा पूछा जा रहा है वो ये है कि जी क्या ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट से लेकर एंड तक इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। जी अबू बकर भाई, आप वो कंटिन्यू रखें। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो आज का जो वेबिनार है वो मतलब क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मुझे इसलिए आइडिया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो उस लिहाज से ही हमने उनको गाइड करना है कि वो ऐसी निशेज में जाएं जहाँ पे वो लोग ज्यादा मतलब कि उनको कम टाइम देना पड़े बट दे कैन लर्न अलॉट और उसके अलावा वो लोग एक अच्छी खासी एक साइड इनकम अर्न कर सकें। तो आज का वेबिनार उसी से रिलेटेड है कि फ्रीलांसिंग को आपने कैसे स्टार्ट करना है। फ्रीलांसिंग के बारे में आप सबको पता ही होगा कि एक रिमोट जॉब टाइप ही है, मतलब आपको एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप घर बैठ के वो प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसके बाद आप उनको डिलीवर करते हैं, बदले में आपका क्लाइंट आपको पेमेंट कर देता है। मल्टीपल कुछ लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, फाइबर है, फ्रीलांसर है, वहाँ जाकर वो लोग रजिस्टर करते हैं और आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और इसकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक्स को एंड पे टच कर लेंगे क्योंकि मेरे पास एक अकाउंट इस वक्त ओपन है ग्राफिक्स का, ताकि मैं आपको उस अकाउंट से लाइव समझा सकूंगा कि ग्राफिक्स का काम किस तरह होता है फाइबर के ऊपर। अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट से शुरू करें जो कि सबसे यानी कि बेस्ट मानी जाती है फ्रीलांसिंग में, जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप वेब डेवलपर हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटे से वेब डेवलपर भी हैं, अभी आपने स्टार्ट किया, आप फाइबर के ऊपर जाएं और अगर कोई बंदा मुझे कहे कि उसने अभी सीखा है और उसने 1 लाख कमाना शुरू कर दिया, मैं मान जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि वेब डेवलपमेंट है, इट इज रियली इन डिमांड राइट नाउ, क्योंकि हर बंदे को वेबसाइट्स चाहिए। कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनवा रहा है, कोई किसी चीज़ की वेबसाइट्स बनवा रहा है, कोई किसी चीज़ की वेबसाइट्स बनवा रहा है, लोकल मार्केट में इसकी डिमांड है एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। तो वेब डेवलपमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वेब डेवलपमेंट है उसकी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इसके अंदर
तीन लैंग्वेजेस यूज होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके थ्रू आप मतलब कोड करते हो, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो समझ आती नहीं है। सो नंबर वन लैंग्वेज इज HTML, नंबर सेकंड लैंग्वेज इज CSS, और जो थर्ड है वो है जावास्क्रिप्ट। HTML 1 से 2 घंटे का काम है, आपको आराम से समझ आ जाता है, एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। CSS डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, जैसा कि इधर गिवन है, एक गाड़ी के एक लोहे का जो एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है वो आप HTML समझ लें, उसके ऊपर जो बॉडी होती है, जो कलर वगैरह लगा हुआ है, टायर्स, वो उसका CSS है, और गाड़ी जिस तरह वर्क कर रही है दैट इज जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क कर रही होती है। अगर मैं मेडिकल टर्म्स में समझाऊं तो वो इस तरह के जो बोन्स हैं वो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसके ऊपर जो स्किन है, आपकी आईज हैं, आई का कलर और हर चीज है वो CSS है, और जो आपके मसल्स हैं वो जावास्क्रिप्ट है। ब्रेन सारा का सारा बैक के ऊपर काम हो रहा होता है, वो सारा का सारा आपका ब्रेन कर रहा होता है। अगर आप ये तीन HTML अगर 1 दिन का काम है, CSS तकरीबन 10 दिन का काम है, उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट है उसके ऊपर कुछ लोगों को महीना लगता है, कुछ लोगों को 2 महीने लगते हैं, बट अगर आपको ये तीन चीजें आ जाती हैं, यू कैन गो इन एनी इंडस्ट्री, इवन कि आप जाके जॉब भी कर सकते हैं, किसी भी आपके एरिया के सॉफ्टवेयर हाउस में जाके आप जॉब कर सकते हैं। ये तीन चीजें मोर देन इनफ है आपके लिए। आगे इनके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक तो चीज मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपका कोडिंग की तरफ शौक नहीं है, देन गो फॉर सिंपल UI एंड UX, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग जैसा है। लेकिन वेबसाइट तो हम लोग कोड करते हैं, बट वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस जो लोग बनाते हैं, मतलब वेबसाइट दिखेगी किस तरह की, वो यूजर इंटरफेस है। और इसके अंदर भी मतलब ठीक है, अर्निंग थोड़ी सी कम है, बट ये बहुत आसान फील्ड है, बनी बनाई टेम्पलेट्स अवेलेबल होती है, उनमें आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके आपने उसको डिलीवर कर देना होता है। मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि ज्यादा हमारा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही होगा, आप लोगों के जो सवाल होंगे उनका हम लोगों ने जवाब देना होगा। HTML CSS का मैंने आप लोगों को बता दिया, HTML आप सीखते हैं 1 दिन के अंदर, CSS आप सीख सकते हैं 8 दिन के अंदर, मोर देन इनफ होते हैं, 8 दिन काफी रहता है। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर यानी कि जो मसला आता है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आता है, कुछ लोगों को महीना लगता है, कुछ लोगों को दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच महीने लग जाते हैं। मुझे खुद 2 महीने लग गए थे जावास्क्रिप्ट को समझने के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी टफ होती है शुरू के अंदर, थोड़ी सी बोरिंग भी होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार इसका फायदा क्या है। बट एक दफा अगर आप जावास्क्रिप्ट समझ लेते हैं तो उसके बाद जो आखिरी लाइन है द डॉम, ये सबसे मेन चीज है जो कि आगे जाके यूज होगी आपके पास। तो अगर आप डॉम को समझ लेते हैं तो आप मतलब किसी भी जाके जगह पे जाके जॉब कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, आप वेब डेवलपमेंट को फुल टाइम सीखना चाहते हैं, फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बैकएंड के लिए Node.js सीख लें। Node.js बैकएंड सर्वर होता है। अब देखें, फ्रंट एंड पे तो काम चल रहा है, गाड़ी के इंजन में जो कुछ हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा, बट उसी की वजह से गाड़ी चल रही है, तो वो बैकएंड होता है। मतलब आपको नजर नहीं आ रहा बट वो मेन इंटेग्रल पार्ट है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्रेन है, वो मेन इंटेग्रल पार्ट है। इस तरह बैकएंड के ऊपर सर्वर होता है, इसको सीखने में आपको 4-5 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट ये कि फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, जो कि वेबसाइट का फ्रंट एंड भी खुद डिजाइन करेगा, बैकएंड भी खुद डिजाइन करेगा, और इसकी यानी कि US के अंदर हाईएस्ट पेड जो जॉब्स हैं उनके अंदर ये शामिल है। हेल्थ केयर के बाद हाईएस्ट पेड जॉब्स के अंदर जो फुल स्टैक इंजीनियर्स होते हैं वो शामिल है। डिजिटल मार्केटिंग का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर ज्यादा मेन तो आपको मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में ही समझाना है। जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर ये इमर्जिंग फील्ड है, आसान फील्ड है, इसके अंदर मतलब के लोकल मार्केट में ज्यादा क्लाइंट्स हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट आप पे थोड़ा भरोसा करते हुए, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा वो लोग मतलब के लूज कर जाते हैं ट्रस्ट, क्योंकि मतलब के पाकिस्तानियों ने इन पास्ट कुछ ना कुछ ऐसा फाइबर के ऊपर अपर के ऊपर मतलब क्लाइंट को धोखा दे दिया, पैसे ले लिए बट उनका काम नहीं करके दिया या काम गलत करके दिया, तो उसको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। बट इन द लोकल मार्केट, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो MBBS का स्टूडेंट था और उसने MBBS छोड़ दिया, और वो उसने मतलब पहले 2 महीने बाद ही MBBS छोड़ दिया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसने MBBS छोड़ दिया और वो डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे आ गया। लाहौर के जो मल्टीपल बड़े प्रॉपर्टी ग्रुप्स हैं, रफी ग्रुप है और क्या कहते हैं इसमें मल्टीपल काफी ग्रुप्स हैं जिनकी वो डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल कर रहा है, और मतलब और वो लिटरली बिलियंस की लीड जनरेट कर रहा है उन कंपनीज के लिए, इतना प्रॉफिट वो उनको जनरेट करके दे रहा है। तो ये एक बेस्ट करियर पाथ मैं सजेस्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप इसको फ्रीलांसिंग को फुल टाइम अपनाना चाह रहे हैं। अगर आप पार्ट टाइम अपनाना चाह रहे हैं तो आप ग्राफिक सीखें, UI सीखें या कंटेंट राइटिंग सीखें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम निकालना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सी स्पेशलिटी अपील कर रही है। सोशल मीडिया की मार्केटिंग अपील कर रही है आपको, ये जो डिजिटल पेनाफ्लेक्सेस वगैरह लगते हैं ये अपील कर रहे हैं आपको, कंटेंट राइटिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग ये अपील कर रही है। आपने इस चीज को देखना है, पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको शौक किस चीज का है, ताकि आप उसको बार बार रोजाना करते हुए बोर ना हो जाए। अक्सर लोग काम तो सीख लेते हैं बट उनको वो काम करने में मजा नहीं आ रहा होता, तो वो उस काम को जल्द या बरीद छोड़ ही देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप देखें कि आपको कौन सी स्पेशलिटी मतलब के ठीक लग रही है, कि यार मुझे सोशल मीडिया की तरफ जाना है, मुझे
फलानी उसके अंदर जाना है, मुझे किसी और फील्ड के अंदर जाना है, तो आपने अपनी नीश खुद सेलेक्ट करनी है थोड़ा बहुत रिसर्च करके। बट मैं एक छोटी मोटी दे देता हूँ, सबसे पहले ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ईजिएस्ट फील्ड है, कंटेंट राइटिंग थोड़ी बहुत बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, आराम से दिन का 1 घंटे आधे घंटे इतनी देर का काम होता है, और मतलब कि एक हैंडसम अर्निंग आपके पास आ जाती है साइड, क्योंकि क्या कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, उसका मसला नहीं होता, थोड़ा बहुत आपने कंटेंट वगैरह लिखना होता है, असल तो आपने जो रैंकिंग करनी होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, गूगल जो है जब आप गूगल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल सर्च करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे ऊपर किंग एडवर्ड की वेबसाइट आनी चाहिए जो मेन चीज है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू पॉसिबल होता है कि वो लोग सबसे ऊपर अपनी किंग एडवर्ड की वेबसाइट लेकर आते हैं, कीवर्ड्स ऐसे डालते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आसान है, काफी ज्यादा आसान है, लेकिन साथ ही साथ इसको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, इसमें जब आपने लीड्स वगैरह जनरेट करनी होती है आपको बहुत ज्यादा इसको टाइम देना पड़ता है, बट ये अच्छी खासी आपको अमाउंट के अंदर क्या कहते हैं लीड जनरेट करके देता है। उसके अलावा इसके लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, आपको हर दूसरा बंदा बेशक वो मिडिल क्लास तबके से हो या फिर वो बहुत ही एलीट क्लास तबके से हो, उसको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कोविड के बाद हर इंडस्ट्री ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली उनको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा जनरेट कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकें। ये सबसे बेस्ट फील्ड है जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती है इस इधर। उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग, ये इतनी यूटिलाइज नहीं होती, बट जो लोग इसको क्या कहते हैं मास्टर कर लेते हैं, ईमेल मार्केटिंग को जो लोग मास्टर कर लेते हैं वो लोग उनका मतलब करियर पाथ सेट हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर एक फाइबर अकाउंट भी दिखा दूंगा, यानी कि जो हमारी कंपनी का ग्राफिक्स का जो फाइबर अकाउंट है, उसे आपको समझ आ जाएगी कि भाई क्या कहते हैं किस तरह से एक मतलब के एक ही स्किल आती है, एक ही स्किल से बहुत ज्यादा आपने प्रोजेक्ट जनरेट कर लिए, या आप एक ऐसी स्किल सीख लें जिससे आप 3 घंटे के अंदर 1 लाख क्या कहते हैं बना लें, अदरवाइज एक ऐसी स्किल सीख लें जिसमें आप 1-1 हज़ार करके 3 लाख बना लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज फील्ड्स, और जो सबसे यानी कि एक नेसेसरी स्किल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आ जाएंगे वो यही है कि आपको मतलब कि एक तो बिजनेस को सीखना पड़ेगा कि बिजनेस वर्क किस तरह कर रहा है, इकोनॉमिक्स क्या है बिजनेस की, उस बिजनेस की पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स क्या है, उस लोकल एरिया के अंदर इकोनॉमिक्स क्या है, आपको एक अच्छा रिसर्चर बनना पड़ेगा, आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपने किस तरह से चीज़ों को चलाना है। ठीक है, SEO आपको आनी ही चाहिए, बेशक आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, बेशक आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बेशक आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको SEO आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा HTML CSS आपको हर जगह पर यूटिलाइज होगी होगी, जब आप SEO कर रहे हैं आपको HTML CSS को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो था इस चीज़ का कि भाई क्या कहते हैं ये दो फील्ड्स का मैंने एक छोटा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ चले जाएंगे, और उसके अलावा जो मैं एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ रिजवान, मैं एक दूसरी स्क्रीन भी शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, इफ आई कैन शेयर, जस्ट गिव मी अ मिनट, स्टॉप प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट अ विंडो, आई होप आप लोगों को नजर आ रही होगी स्क्रीन। जी जी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इट्स अ फाइवर अकाउंट, ठीक हो गया, और उस बंदे ने मार्च के अंदर काम शुरू किया है, यू गाइस कैन सी, उस यानी कि 2 महीने पहले तकरीबन उस बंदे ने काम शुरू किया है, और उसको सिर्फ एक काम आता था, उसको सिर्फ आप इमेज देते हो, उसका सिर्फ कार्टून बनाना आता था, और ये कितना ईजी टास्क है, मतलब हम में से अक्सर लोग अपनी पिक्चर पे फिल्टर लगा कर ये वाला काम कर रहे होते हैं, हम मतलब अक्सर लोग कर रहे होते हैं, पिक्सआर्ट से कोई कर रहा है, कोई मोबाइल से ही कर लेते हैं, कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कुछ मोबाइल से ही कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने एक स्किल सीखा जो कि 1 घंटे के अंदर आ जाता है, अगर आपके पास फोटोशॉप है तो ये स्किल आपको 1 घंटे के अंदर आ सकता है, ये कार्टून बनाना है, एक इमेज आपको आएगी उसका आपने कार्टून बनाना है, जस्ट उस आप उसके जितने भी देख लें एक एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसके अंदर उसने क्या कहते हैं अवतार मतलब कि कार्टून अवतार के अलावा कोई और प्रोजेक्ट हो, और मजे की बात यह कि सारे के सारे एक ही क्लाइंट से आ रहे हैं, मतलब उसने ये, अब ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इसमें आपके पास पैसे कम है, $20 मिल रहे हैं, $10 मिल रहे हैं, बट आप ये देखें कि उसको एक दिन में 6 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसको 15 मिनट लग रहे हैं, तो हार्डली उसने बंदे अंदर उस बंदे ने क्या कहते हैं जनरेट कर लिए क्या कहते हैं आराम से कौन से $100 बंदे ने 2 घंटे लगा के जनरेट कर लिए, क्योंकि उसने एक स्किल पकड़ी, उस एक स्किल को उसने मास्टर कर लिया। आप देख लें कि जितने भी क्या कहते हैं आप खुद देख सकते हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे कार्टून अवतार के हैं, उसके अलावा और किसी का भी नहीं, और उस बंदे को काम शुरू किए हुए सिर्फ 2 महीने हुए। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने एक स्किल पकड़नी है, बेशक आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मेडिकल स्टूडेंट है, मैं ये बात मानता हूँ आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता, अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट है आपके पास टाइम नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप
एक स्किल पकड़ें छोटी सी, मतलब कार्टून बनाना हो सकता है, वो यूआई डिजाइन किसी वेबसाइट का हो सकता है, इवन के वो एसक्यूए क्वालिटी एश्योरेंस हो सकती है, बट उस स्किल के अंदर मास्टर कर लें अपने आप को 1 महीना लगा के, उसके बाद फिर आप, आपका उस स्किल में मुकाबला नहीं है। फाइवर के ऊपर जिस बंदे को कार्टून बनाना बनवाना होगा वो आपके पास ही आएगा, और मतलब अभी सिर्फ ये 2 महीने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रहा था। अब रिजवान इनके क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि मैं देखा था काफी ज्यादा क्वेश्चंस आई जा रहे थे, उसको देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन है जी, विल दिस सेशन बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब? यस इट विल बी अवेलेबल। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है आयशा सदीका, ऑन विच नीश अ बिगनर हैविंग जीरो एक्सपीरियंस शुड वर्क? आई वांट टू आस्क विच नीश आई शुड परस्यू इफ आई एम डूइंग एमबीबीएस एंड आई हैव टू मैनेज माय स्टडीज एज वेल। वेरी गुड क्वेश्चन जी अबक्का भाई। कंटेंट राइटिंग, मतलब हैंड्स डाउन कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग ऐसी फील्ड है जो कि आपको, अब फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स तो सीख लेते हैं, बट वो मेडिकल में आपको इतना फायदा नहीं देगी आगे जाके। यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर ऑब्वियसली, तो आपको इतना फायदा नहीं देगी, बट कंटेंट राइटिंग इज द फील्ड जो कि आपको आगे जाके ज्यादा फायदा देगी एज कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड। क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिसर्च फील्ड के अंदर आ गए, रिसर्च एनालिसिस इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा 90% कंटेंट राइटिंग में यही होता है कि आप रिसर्च पेपर एक बंदे के साथ मिलकर लिख रहे होते हैं, आप उसको रिसर्च जनरेट करके देते हैं, उसकी रिसर्च को एनालाइज करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स कभी कभी आपको निकालने पड़ रहे होते हैं, कभी आप उसके लिए इमेजेस ढूंढ रहे होते हैं। कंटेंट राइटिंग इज द फील्ड जो कि आपको एमबीबीएस के अंदर भी फायदा देगी, इसको लर्न करना इंतहाई आसान है, आप हार्डली 10 दिन के अंदर सीख सकती हैं। तो मेरे ख्याल से कंटेंट राइटिंग इज दी बेस्ट ऑप्शन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको फायदा भी देगी आगे मुस्तकबिल के अंदर ऑब्वियसली, और मल्टीपल उसके फायदे हैं। यार देखें यार, स्किल देखें, सबसे पहले पहली चीज तो यूट्यूब एंड गूगल, आपको यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा, अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप मतलब जो सीखना चाह रहे हैं वो है किस तरह की, ऐसा ना हो कि आप बगैर देखे उसके अंदर चले जाएं और आपको वो फील्ड फायदा ना दे सके। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है यूडेमी कोर्सेरा, इन दो के ऊपर अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आपने बेहतर कोर्सेज करने, आई रिकमेंड के पेड कोर्सेज खरीदने की शुरू में जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप सिंपली freecodecamp.org पे जाएं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखना, बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपने HTML सीखनी है, प्रोग्रामिंग विद मॉश का बेहतरीन कोर्स HTML और CSS के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपने उसको उर्दू के अंदर देखना है तो कोड विद हैरी का बेहतरीन किस्म का कोर्स अवेलेबल है, और भी मल्टीपल एक अपना कॉलेज के नाम से, इंडियंस इस फील्ड में हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं, तो मतलब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इतना ट्रेन नहीं करते जितना इंडियंस करते हैं, तो उनके बेहतरीन किस्म के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपने जो भी फील्ड के अंदर सीखना है, जोन सी भी फील्ड है उसके, हो सकता है आपको यूडेमी के ऊपर कोर्सेज ना मिले लेकिन आपको उसका यूट्यूब के ऊपर कोर्स लाजमी मिलेगा। उसके अलावा आपको एक पाथ पे भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर जो आप करना चाहते हैं। हमना ताहिर कह रही हैं, काइंडली ये जो नेम्स आप बता रहे हैं ये टाइप कर दीजिए। एक मिनट रुके, वेयर शुड आई टाइप? रिजवान मुझे बता दो, क्या मैंने चैट में टाइप आई कर विल दूं? अटैच इन द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में या एंड पे बता देंगे बुक। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन चैट है पे आयशा सेंड भेज दिया। सदीक, हाउ टू जी गेट जी स्टार्टेड विद कंटेंट राइटिंग प्लेटफॉर्म्स? अच्छा, कंटेंट राइटिंग के अंदर सबसे पहले ना आपने एक मतलब कि आपके थोड़ा बहुत तो पहले ही नॉलेज होता है, जो आप मतलब अगर आप थर्ड ईयर एमबीबीएस में हैं, सेकंड ईयर एमबीबीएस के अंदर हैं, तो आपने मतलब कि सिंपली ये करना है कि आपके पहले से आपको नॉलेज है, सो यू हैव टू गो टू फाइवर। आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे ना जाएं। अपवर्क पे वो बंद उस बंदे को जाना चाहिए जो पहले से वेल ट्रेंड हो फ्रीलांसिंग के। आप सिंपली फाइवर के ऊपर जाएं, अपनी गिग बनाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, और सिंपली आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का वेट करें। आपको इनशाला विद इन अ डे और टू, क्योंकि ये जो अभी फील्ड अभी जो टाइम है ना 1 महीने का, मतलब इसके अंदर ये बेस्ट टाइम है मार्केट को हिट करने का, ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि अभी स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, या मास्टर्स के स्टूडेंट अगस्त में ग्रेजुएट करते हैं, और उनको कंटेंट राइटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइक आप एमबीबीएस कर रहे हैं लेकिन बायोटेक भी फील्ड है, मतलब कि मल्टीपल मेडिकल की फील्ड है जहाँ पे बच्चों को जरूरत पड़ती है रिसर्च राइटिंग की। तो उस तरह आप मतलब कि फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाएं। अगर आप एक कंटेंट राइटिंग को थोड़ा बहुत सीखना है, यूट्यूब के ऊपर जाएं, हाउ टू गेट स्टार्ट विद कंटेंट राइटिंग, वो थोड़ी बहुत आपको रिसर्च की टेक्निक बता देगा। उसके अलावा ये है कि क्या कहते हैं तौसीफ जो है, उसके साथ एक सेशन मेरे ख्याल से रिजवान भाई इंशाल्लाह जरूर रखेंगे,
वो कंटेंट राइटिंग में इस मामला में काफी बेहतर है। उसके लिए ये कि आप कुछ प्रोग्राम्स कर लें, जैसे ग्रामरली है, टर्निटिन है, उसको ग्रामरली आपके ये करेक्ट कर देगा जो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी या जो एरर्स होंगे। इसके बाद टर्निटिन है ताकि आप प्लेजरिज्म वगैरह चेक कर सकते हैं उससे कि आपकी उसमें कितना प्लेजरिज्म है। ठीक है, तो ये दो तीन क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं रिसर्च राइटिंग के अंदर। तो टूल्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। जी कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा सदीका सर, स्पेलिंग बता दें इस प्लेटफॉर्म का। मैंने लिख दी है, ये आप इसी तरह टाइप कर दीजिएगा मैंने इसमें लिख दी है, मैंने चैट। लिख दी है चैट में लिख दी है। हाँ जी, कोर्स इरा उडीमी ये लिखा हुआ है, देख जी लीजिए प्रेजेंटेशन बिल्कुल के नाम से लिखा हुआ है। हीरा यास्मीन पूछ रही है, एकेडमिक राइटिंग सीखने का अच्छा प्लेटफॉर्म बता दें प्लीज। यार, आप सिंपली इसके लिए ब्लॉग्स पढ़ें, ठीक हो गया। मल्टीपल जो चीज आप कह रही हैं उसके ऊपर रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, तो मतलब उस रिसर्च के लिए आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आप मल्टीपल ब्लॉग्स पढ़ें तो उससे आपको आपकी जो एकेडमिक राइटिंग की स्किल्स हैं, बेसिकली एकेडमिक राइटिंग को आप ना एक किस्म का रिसर्च का समझ सकती हैं, रिसर्च एनालिसिस ही है, क्योंकि आप रिसर्च के अंदर भी यही कुछ ही कर रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म, अगर आपने उसको सीखना है कि यारी उसका पाथवे आपको चाहिए, तो जो एकेडमिक राइटिंग के स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाए। द मोर यू रीड द मोर यू कैन राइट, वो वाला चक्कर चलता है इसके। हाँ एक और क्वेश्चन है जी, आई मेड एन अकाउंट ऑन फाइवर बट डिडंट रिसीव एनी ऑर्डर फॉर ए वीक, देन आई क्विट। अच्छा यार, जो सबसे बड़ा इशू आता है ना हमारे हमारे उसमें, वो यही आता है कि हम लोग बड़ी जल्दी हम लोग परसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। जो फाइवर है ना यार, उसके ऊपर सबसे पहली जो चीज है वो ये कि आपकी गिग अच्छी होनी चाहिए, मतलब हैंड्स डाउन आपको गिग अच्छी बनानी पड़ेगी। फिर आप जिस नीश के अंदर जा रहे हैं वहां क्या पहले से लोग मौजूद हैं या नहीं, कंटेंट राइटिंग। अब देखें, बाजू का ऐसा होता है कि आप एक दैट मंथ में काम शुरू करते हैं, आई एम अ टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, मेरे पास यानी कि इस महीने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बट जनवरी फेब्रवरी मार्च जनवरी फेब्रवरी और दिसंबर जो 3 महीने है ना यार, इनको कहते हैं डेड मंथ फॉर फ्रीलांसर, मतलब इस महीने ना प्रोजेक्ट्स आते नहीं। पता नहीं क्यों, ये एक साइकी है या पता नहीं क्या है, बट इन 3 महीनों में अक्सर अक्सर बंदों के पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होते, उसकी वजह किसी को भी नहीं पता। इन्हें कहते हैं इस महीनों के अंदर हम लोग अपनी स्किल्स पे फोकस करते हैं, हम लोग अपनी स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब आपने हो सकता है किसी डेड मंथ के अंदर अपना अकाउंट बना लिया हो, इस वजह से आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो वैसे ही सबके पास ऑर्डर नहीं आ रहा। बट फिर दूसरा वजह ये हो सकती है कि आपने अपनी गिग अच्छी नहीं बनाई। ठीक है, उस मामला में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया, आप कोई ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ, कोई मसला नहीं है, आप अपने किसी सीनियर को, अपने आपका कोई दोस्त जो कि ये काम कर रहा हो, आप उसको अप्रोच करें। ठीक हो गया, आप उसको बोलें कि क्या कहते हैं यार मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा काम करके दे दूँ। ठीक हो गया, और मतलब कि तुम जो मेरी उसे मतलब पेमेंट है वो 50% तुम रख लेना, कोई इस तरह का आप उसको दे दें, कोई आप उसको एक रॉयल्टी दे दें इस तरह की, तो क्या कहते हैं आपको वो प्रोजेक्ट देगा, आप उस प्रोजेक्ट को करेंगे, आप सीख भी लेंगे। और मैं एक और चीज कह देता हूँ कि अगर किसी बंदे को इंटर्नशिप चाहिए वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको इंटर्नशिप चाहिए ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर चलें अगर आपको यूआई से रिलेटेड भी इंटर्नशिप चाहिए, पेड इंटर्नशिप, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा इस्लामाबाद वाला ऑफिस भी ओपन है और हमारा सरगोधा वाला ऑफिस भी ओपन है। आप अगर इन दोनों में से किसी जगह पे ओपन करना चाहते हैं, आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच कर लें, मोहम्मद अबू बकर के नाम से मेरा लिंक्डइन है, आप मुझे वहां पे अप्रोच कर लें, या फिर आप मुझे रिजवान भाई के थ्रू अप्रोच कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे अप्रोच कर लें, हम लोग आपको ऑन साइट इंटर्नशिप दे देंगे, आपको काम भी सिखाएंगे और क्या कहते हैं आपको हम लोग गाइड कर देंगे। बट कंटेंट राइटिंग क्योंकि हमारी कंपनी की फील्ड नहीं है, तो उसके अंदर हमारा इंटर्नशिप का कोई सा चक्कर चल नहीं सकता, तो किसी बंदे के पास जाके आप एक दफा सीख लें, वो ज्यादा मुनासिब है। जी, इसमें एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा। मैंने कंटेंट राइटिंग का अपना अकाउंट और गिग्स बनाई, गिग्स 3 महीने तक जो है उस पर ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। फिर वो किसी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो थोड़ा मसला कर गया। फिर मैंने एक और अकाउंट पिछले वीक में बनाया, ठीक है। अब अगर भाई 7 दिन पूरे नहीं हुए ऑर्डर आ गया, ठीक ये बात है। अब ऑर्डर किस बेस पे आया? ऑर्डर इस बेस पे आया, मैंने प्राइसेस बहुत लो रखी हुई थी, मैंने 5 10 और जी ये पैकेज आता ना बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम का, मैंने जनाबे वाला जी 5 10 और 15 डॉलर रखा हुआ। तो वो हालांकि काम तकरीबन था 30 डॉलर का 40 डॉलर का, मुझे 15 डॉलर में मैंने ले लिया बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक हाँ, और है आपका फिर उससे ग्रो करता है अकाउंट ऑब्वियसली। जी। उससे मुझे फायदा क्या होगा, हालांकि इतना वो ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन फायदा ये होगा कि काम मैं अच्छा करके दूंगा तो मुझे एक वो रिव्यू अच्छा मिल जाएगा अपने उस गिग के ऊपर, और मेरी गिग जो है वो उस पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि गिग्स के ऊपर प्राइसेस एक कम रख के ना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स एग्जैक्टली को।
रिजवान, इसके मामले में तुम बेहतर ज्यादा गाइड कर सकते हो कंटेंट राइटिंग के मामले में, क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटेंट राइटिंग के, मैं देख रहा हूँ। तो काइंडली ना उसके बारे में थोड़ा सा तुम बता दो कि कंटेंट राइटिंग को, मतलब तुमने तो चलो स्टार्ट, तुम तो मतलब उसके एक्सपर्ट हो ना, बट स्टार्ट कहाँ से लिया था, काइंडली अपनी स्टार्टिंग जर्नी बता दो सारा। कंटेंट राइटिंग मैंने तकरीबन 4 महीने तो यही सोचते लगा दिया कि जी ये होती क्या है, करना कैसे, काम मैं कैसे करूंगा, ये हो गया वो, दो चार लोगों से पूछा, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा जी पत्नी बहुत मुश्किल काम है। फिर जो मैंने एक ऑर्डर लिया था पहला, वो ऑर्डर जब मैंने पकड़ा था और काम उसके ऊपर किया, तो सारी रात आई वॉज टेंस के मैंने करना क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दो बंदों से पूछा कि जी ये कैसे करना, उन्होंने कहा जी ये करें, आर्टिकल्स पढ़ें, ये करें वो करें। अब एक बंदे ने मुझे बताया कि जी इसका काम तो बड़ा इजी है, इससे रिलेटेड 4-5 आर्टिकल्स ढूंढें, उसको रीड करें, ठीक है, उसमें से रिलेटेड पैराग्राफ, वो एक बेसिकली आर्टिकल लिखना था रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है। तो वो तकरीबन मुझे आइडिया हुआ कि मैंने 3 घंटे के अंदर वो वाला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था जब मुझे पता चला। और मैंने वो क्या कहते हैं, एक पैनिक, वो जो एक पीरियड होता ना, वो तकरीबन 5-6 घंटे मैं चेयर पे बैठा था कि जी मैंने करना क्या है, ऑर्डर मैंने बिल्कुल पकड़ लिया, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बंदा बिल्कुल ऐसे सोचता था कि ये है क्या, क्या करना है, लेकिन जब आप पहला ऑर्डर पकड़ती है ना, आपको उस वक्त भी पता नहीं होता कि जी मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कंटेंट चीज है कि जब बंदा ले लेता है ना ऑर्डर, यानी यूं समझ लें कि ऑर्डर से ही सीखता है बंदा कि जी उसने क्या बिल्कुल काम करना, जब आपके ठीक ऊपर है। प्रेशर आता है ना, आप तभी सीखते हैं इंडस्ट्री का जो, तभी मैं हाँ कहता हूं कि अगर आपको प्रोजेक्ट ना मिल रहा और आप मतलब मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, आप मतलब फुल टाइम इसको अपनाना चाह रहे हैं, गो टू एनी कंपनी, उन्हें बोले कि यार आप मुझे फ्री में रखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वैसे हर कंपनी पेड इंटर्नशिप देती है, इंक्लूडिंग हमारी कंपनी, हम लोग पे करते हैं जो भी हमारे पास बंदा काम कर रहा है, और हर कंपनी यही करती है। तो लेकिन आप जाएं उन्हें बोलें कि यार मुझे फ्री में रखें, और आप उनके, जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा ना, फिर आप सारी रात बैठ के जावास्क्रिप्ट भी सीख लेंगे और हर चीज आप सीख लेंगे। और ये जो लॉस्ट वाली फीलिंग है ना, जिसका रिजवान ने जिक्र किया है, इस फीलिंग से हम सब गुजर चुके हैं। मतलब आप लोगों ने परेशान नहीं होना होता, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, यार कोई मसला नहीं है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, एक दिन आएगा कि आपके पास प्रोजेक्ट, आपने देखा जो मुनीब है उसके पास 2 महीने के बाद पहला प्रोजेक्ट आया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल उसके पास प्रोजेक्ट की कमी लगी है। मतलब प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, और मतलब कि वो मुझे रिसेंटली बता रहा था कि यार कि अबू बकर मेरे पास इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि अब मैं मैनेज नहीं कर सकता स्टडीज के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को। तो मतलब इस तरह का टाइम आपके पास आता है, तो किसी जगह पे जाके सीखें जो आपको एक इंडस्ट्री का प्रेशर सिखाएगा ना, वो आपको कोई और चीज नहीं सिखा सकती। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडस्ट्री में जाएं, इंडस्ट्री की जो चीज है ना वो आपको ज्यादा बेहतर सिखा सकती है। अच्छा जी ये क्वेश्चन है, हाउ टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो। अच्छा पोर्टफोलियो, यार अगर आप इससे मुराद सीवी ले रहे हैं ना, तो मैं बता देता हूँ। देखें आपको, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने वो वाला फिर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, फाइबर वगैरह की भी बात नहीं कर रहा, टेक्निकल फाइबर के ऊपर भी स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए ना, अगर आप सीवी की बात करें, canva.com के ऊपर जाएं, canva.com के ऊपर अपनी सीवी बनाएं, ये बात है ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब। अच्छा उस सीवी के अंदर ना आप जो चीजें मेंशन कर सकते हैं वो पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है और फाइबर के लिए डिफरेंट है और इंटरनेशनल मार्केट रिमोट जॉब के लिए डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो भी लिखनी पड़ेंगी और अपनी एजुकेशन भी लिखनी पड़ेगी, अगर आपकी एजुकेशन मैच कर रही हो आपकी स्किल्स के साथ। अच्छा जो फाइबर है उसके ऊपर आपको अपनी सिर्फ स्किल्स लिखनी पड़ेंगी, जितनी भी आपकी स्किल्स हैं या जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो लिखने पड़ेंगे। जो इंटरनेशनल मार्केट है ना उसके अंदर आप, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई ऐसा इवेंट कंडक्ट करवाया है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो किंग एडवर्ड की, मैं फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी की बात कर लेता हूँ, कैप्स या कैस्पे नाम से जो सोसाइटी है आपकी फोटोग्राफी की, अगर आपने उसमें भी फोटोग्राफर रहे हैं आप वो भी लिख दें, आप उसको लिखें, और वो आपने कोई कम्युनिटी सर्विस का प्रोजेक्ट किया आप वो भी लिख दें, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा एक्सेप्टेड होता है कि अगर आपने कम्युनिटी सर्विस का प्रोजेक्ट किया है तो वो क्या कहते हैं आपको बड़ा मतलब कि एक अच्छा कैंडिडेट समझते हैं अपनी जॉब के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो से मुराद सीवी है तो उसका मतलब ये है। दूसरी चीज, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। जितने बंदे यहाँ पर मौजूद हैं मेडिकल कम्युनिटी लिंक्डइन के ऊपर है ही नहीं, मैंने सिर्फ 3-4 बंदों को अब तक देखा है मेडिकल कम्युनिटी से, उनके भी अकाउंट 1-2 बंदों के अलावा एक्टिव ही नहीं है। सिर्फ एक तैयब भाई का अकाउंट एक्टिव है, वो भी क्योंकि मेडिकल छोड़ चुके हैं इसलिए उनका अकाउंट एक्टिव है। अदरवाइज लिंक्डइन के ऊपर आए, लिंक्डइन के ऊपर आपको जिस कदर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रिमोट जॉब इजीली मिल जाती है, इवन की कंटेंट राइटिंग की। यार रिजवान मैं ना तुम्हारे साथ भी शेयर कर दूंगा, मेरे पास ना कुछ कंपनीज के आए हुए थे मेल्स ना कंटेंट राइटिंग के, तो यार वो काइंडली ना यूट्यूब की वीडियो के नीचे अटैच कर देना, जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा तो वो फिर वहां से कंपनी को ज्वाइन कर देंगे। जी जी तो क्या इंशाल्लाह। कहते,
हाँ, तो मतलब आप उन कंपनीज को ज्वाइन करें, उनको सिर्फ कंटेंट राइटर्स चाहिए। कंटेंट राइटर्स किसके लिए? सोशल मीडिया के कैप्शंस लिखने के लिए। और मतलब ठीक है, वो पे इतना नहीं कर रहे होते, 15K या 20K वो लोग पे कर रहे होते हैं, लेकिन इतना काम भी तो नहीं है। आपने एक पिक्चर वो बंदा पोस्ट करेगा अपनी कंपनी की, और आपने उसके लिए कैप्शन लिख कर देना। इससे आसान काम दुनिया के अंदर कोई नहीं है, और उसके भी आपको पेमेंट मिलती है। तो मतलब कि इस तरह की कंपनीज मौजूद हैं जो कि आपको पे करती हैं अपने सोशल मीडिया का कैप्शन लिखने में। अगला सवाल है, हाउ हाउ टू टू अट्रैक्ट द अट्रैक्ट, क्लाइंट, क्लाइंट को यार अट्रैक्ट कैसे करना है? सिंपली आपकी मतलब कि गिग अट्रैक्टिव होगी, ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ, पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये है कि आप मतलब कि ना जो पहला क्लाइंट है, जिसना कि रिजवान ने बताया, आपको प्राइस थोड़ी अग्रेसिव रखें। कुछ भी करके ना आप पहले 3-4 क्लाइंट्स को ले आए अपनी तरफ। जब आपके पास 4 से 5 क्लाइंट्स हो जाएंगे ना, उसके बाद खुद ब खुद उन उनके रेफरेंस से या तो क्लाइंट आएंगे, या फिर वही क्लाइंट जो कि अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मतलब के प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे के सारे मतलब एक ही क्लाइंट से आए हुए थे। 90% प्रोजेक्ट्स एक ही क्लाइंट से आए हुए थे। अगर उस बंदे ने $4,000 कमाया है ना, उसमें से $3,000 उसके पास एक ही क्लाइंट से आया है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो क्लाइंट था, वो क्या करता था, वो किसी और बंदे से प्रोजेक्ट पकड़ के वो इसको दे दिया करता था। उसका भी अकाउंट ग्रो कर रहा है, इसका भी अकाउंट ग्रो कर रहा है, और क्या कहते हैं इसके इसको वो इसका वो परमानेंट क्लाइंट बन गया। कोशिश करें, तौसीफ ने एक बात की थी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, कि आउटसोर्सिंग करना सीखें। आपके पास एक क्लाइंट आया ना, ये नहीं कि उसको फाइवर से आउटसोर्स करें, मतलब कि अपने कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, लिंक्डइन के ऊपर मैंने आपको कहा लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं, उसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको क्लाइंट मिलेंगे और आप उनको आउटसोर्स कर लें। ठीक है, वो भी क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा। कोशिश करें कि आप उनको अपना परमानेंट क्लाइंट बनाएं, बजाय इसके कि आप बस एक प्रोजेक्ट करके दें और इतना गंदा करके दें कि वो अगली दफा दोबारा आपके पास आई ना। अट्रैक्शन का एक ही फिनोमेना कि अगर आपने एक बंदे को अट्रैक्ट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली जाके आपकी मार्केटिंग करेगा और फिर खुद ब खुद लोग आपके पास आएंगे। अगला सवाल है गिग मीन्स, यार गिग ना फाइवर का एक समझ लें, एक समझ लें फाइवर का अकाउंट ही समझ लें। उस फाइवर के अकाउंट के ऊपर जो आप अपनी चीजों को मेंशन करते हैं, इंट्रो देते हैं अपना, या अपनी इमेजेस वो लगाते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, आप जो जो काम फाइवर के ऊपर कर रहे हैं उसे आपकी गिग कहते हैं। बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन समझ लें, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ। मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ लोग ना इंतहाई बेसिक लेवल पे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है चीजों का, तो मैं आई विल ट्राई कि फाइवर अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे बनानी है, इन पे ना छोटी छोटी वीडियोस इंशाल्लाह बना दूंगा, और साथ में गिग को कैसे रैंक करवाना है वो भी सारी टिप्स जो है जो मैंने अप्लाई की है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियोज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन हमारे के पास आयशा जी 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 आप बताएं। आई शी सेइंग के सर आई हैव लर्न कंटेंट राइटिंग टू सम एक्सटेंट बट देर इज नो यूज ऑफ स्किल इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज फाइवर, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम ऑफ फाइवर। जी वो आई विल मेक वीडियोज के वीडियो कैसे फाइवर बनाना है अकाउंट और कैसे फिर उसे लेके चलना है। ठीक है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो बता दें वक्त। नहीं यार, मेरे ख्याल से इसकी वही है कि आपको या तो वीडियो बनानी पड़ेगी, दूसरा है कि यूट्यूब पे छोटी मोटी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ना यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो यही आपको ना मतलब थोड़ा सा ना अपर लेवल पे जाके समझाती हैं, बट मतलब कि क्योंकि रिजवान खुद मेडिकल कम्युनिटी से है, तो वो इस चीज को ज्यादा बेहतर जानता होगा, तो वो आपको बेसिक लेवल से सिखाएगा कि मतलब हाउ टू क्रिएट अ फाइवर अकाउंट और गिग्स बनाना, एल्गोरिथम को यूज करना। तो मतलब बेसिक से मैं बस ये रेकमेंड करूंगा कि मतलब जो कोर्स बना के फिर यूट्यूब पे डाल देना, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा इस चीज का। यस इंशाल्लाह। हादिया सुल्तान कह रही हैं सर आप किस कंपनी में कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप देते हैं, काइंडली बता दें। यार हमारी कंपनी के अंदर कंटेंट राइटिंग की सिर्फ एक ही मतलब कि हमने बंदे को रखा हुआ है, और वो बंदा साथ ही साथ हमारी कंपनी का यूआई भी मैनेज कर रहा है। तो हमारी कंपनी में कंटेंट राइटिंग का इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी वेब डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सेंटर्ड कंपनी है। बट आई विल शेयर सम लिंक्स विद रिजवान, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर देगा यूट्यूब की वीडियो के नीचे या मल्टीपल जगहों पे। आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन ज्वाइन कर लें, लिंक्डइन के ऊपर आपको मिल जाता है, Indeed.com है, वहां से आपको जॉब्स, मैं तो लिंक्डइन रेकमेंड करता हूँ, वहां से आपको कंटेंट राइटिंग की इजीली इंटर्नशिप या आपको जॉब भी मिल जाती है। अगर आपने थोड़ा बहुत काम पहले किया है ना, तो आपको आराम से कौन से जॉब मिल जाती है, और आपने ज्यादातर कैप्शन ही लिखने होते हैं सोशल मीडिया की पोस्ट के, ब्लॉग वगैरह नहीं लिखने पड़ते, इतना हैवी काम नहीं होता, सिर्फ कैप्शन लिखने होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह लिंक भी लगा दूंगा, और उसके अलावा ये कि आप लिंक्डइन ज्वाइन करें, लिंक्डइन के ऊपर आप जाके सर्च करें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटेंट राइटिंग, और आपको इजिली मिल जाएगी, इजिली मिल जाएगी, इंटर्नशिप का कोई इशू नहीं होगा। और ये होती भी रिमोट रिमोट जॉब है, ऑन साइट जॉब भी नहीं होती, रिमोट जॉब होती मोहम्मद चीमा पूछ रहे हैं विच स्किल इज बेस्ट फॉर हाउस वाइफ्स। है। यार देखें उनकी नीश पे डिपेंड करता है, मतलब कि
फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कंटेंट राइटिंग का शौक है तो वो कंटेंट, अब कुछ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज लाइक के उसकी ग्राफिक्स डिजाइनिंग अच्छी है, सिंपल यार मतलब मैंने अभी आप लोगों को एक अकाउंट दिखाया है, उस बंदे ने सिर्फ हम लोग मतलब कि ना उस मतलब कि एक हमने अकाउंट बनाया और हम एक टेस्टिंग पीरियड में थे कि मतलब हम उसको टेस्ट करें उस अकाउंट को, और हमने उस अकाउंट को मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ कोई मसला नहीं है, उस अकाउंट में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक काम किया है, कार्टून कार्टून हम लोगों ने बस बजा के लोगों को दिया करते थे कार्टून वगैरह, ठीक हो गया, और उसी से क्या कहते हैं वो अकाउंट अच्छा खासा ग्रो कर गया, यू कैन सी क्लियरली कि एक भी मतलब वो नहीं है जो कि कार्टून ना हो, अब मतलब कि उस बंदे ने कार्टून के अवतार बनवाए थे 8 और उसने $120 दिए थे, और ये हार्डली यानी कि मार्च 16 मार्च को ऑर्डर आया था और 20 मार्च को डिलीवर कर दिया था, 4 दिन का प्रोजेक्ट था और मतलब 4 दिन में से रोजाना घंटा दिया था मैक्स, ठीक हो गया, और ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिलीवर कर दिया था, और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये एक ही क्लाइंट है जो मतलब ये जिसके ऊपर मैंने माउस किया हुआ है, ये एक ही क्लाइंट है और यही क्लाइंट चल रहा है, एक क्लाइंट हमने पकड़ लिया, दरमियान में एक दो और क्लाइंट्स आए हैं, एक क्लाइंट पकड़ लिया, वही आपको टिप भी दे रहा है, वही आपके ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा है, और फिर जब उस क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट बन गया उसी क्लाइंट ने आपको $150 का डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे दिया, तो एक नीश पकड़े उस नीश को एक्सपर्ट बन जाए, कार्टून बनाना है कार्टून बनाने के आप एक्सपर्ट बन जाए, तो ये रिकमेंडेड है उनके लिए कि मतलब कि जिन्होंने जिनके पास टाइम कम होते तो वो क्या करें कि वो सिंपल क्या कहते हैं एक स्किल पकड़ें जो जल्दी सीख सके, मतलब कि जिसको टाइम कम देना पड़े, अब ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आपको हार्डली 1 से 2 घंटे रोजाना देने पड़ते हैं, और ये काम मेडिकल स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए ऑब्वियसली, तो उनके लिए भी यही मैं ग्राफिक डिजाइनिंग रिकमेंड करता हूँ और कंटेंट राइटिंग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यही है जो वो घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। सईद फैजान सतार इज सेइंग के लिंक्डइन एंड व्हिच वाज द अदर वन, वो भी बता दें। और इंडीड लिंक्डइन डॉट कॉम प्रॉफिट इंडीड डॉट कॉम फॉर पाकिस्तान, और उसके अलावा आप रोजी डॉट पी के भी आई गेस है जॉब्स फाइंड करने के लिए, बट आई रिकमेंड लिंक्डइन कि आप लिंक्डइन के ऊपर रहें, प्रोफेशनल है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेप्टेड है, तो लिंक्डइन अकाउंट अपना प्रोफेशनल बनाएं, क्या कहते हैं तो तैयब का काफी अच्छा अकाउंट है जो कि आपके अगर आप इंगेडवर्ड से तो आप जानते ही होंगे, उनका काफी अच्छा अकाउंट है, इसके अलावा आप मल्टीपल लिंक्डइन के अकाउंट्स देख सकते हैं, वो काफी अच्छे अकाउंट्स लोगों ने बनाए हुए हैं, उनको आप फॉलो करें। लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा बता दें यार, लिंक्डइन ना एक प्लेटफॉर्म है जिसका कि आपका सोशल मीडिया होता है ना, ट्विटर है इंस्टाग्राम है फेसबुक है, हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, तो इस तरह लिंक्डइन जो है ना वो टोटली प्रोफेशनल अकाउंट है, मतलब आपका प्रोफेशनल अकाउंट जिसके अंदर आप अपनी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, आपने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की है, उसके अलावा आप ये लिखेंगे उसके बारे में आप बताएंगे मतलब कि आप कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, उन स्किल्स के आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पे गिवन होंगे, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है ना आप लिंक्डइन के ऊपर बताएंगे, तो कोई फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स का बंदा था उसने आपकी प्रोफाइल देखी, उसको आप जैसे बंदे की ही जरूरत थी, वो आपको हायर कर लेगा, या फिर किसी एचआर ने पोस्ट की कि यार मुझे इस तरह का बंदा चाहिए, आपने अप्लाई किया, उसने वहीं से आपकी लिंक्डइन अकाउंट देखा, उसने कहा कि यार ये बंदा मेरे काम का है, इसको क्या कहते हैं हायर कर लेते हैं, तो ये भी यानी कि लिंक्डइन पे ये वाला बड़ा सीन होता है, और मतलब आपको अच्छे खासे वहां से क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं और आपको अच्छा खासा वहां से फायदा हो जाता है। ई राइटर्स पाकिस्तान रजिस्टर्ड कंपनी है, डू यू हैव एनी आइडिया? ई राइटर्स पाकिस्तान इसके बारे में मैंने सुना हुआ है आई गेस किसी मेरे ख्याल से किसी ब्लॉग मैंने पढ़ा था, यार कंपनी रजिस्टर्ड होना जो है ना, अगर आप कहते हैं कि FBR से रजिस्टर्ड हो, तो हमारी कंपनी अलहमदुल्ला मतलब रजिस्टर्ड है FBR से, बट वो मैटर नहीं करता ऑनेस्टली, FBR से रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है फ्रीलांसर्स के लिए, अगर रजिस्टर्ड आप उस सेंस में पूछ रही है तो मतलब आई डोंट नो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, बट अगर आप मतलब कह रही है ना कि मतलब उसे आपको कोई नुकसान वगैरह होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्या कहते हैं क्योंकि वो एक ट्यूटरिंग कंपनी है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज क्या कहते हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा मेडिकल स्टूडेंट्स को, वो है ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग जो है ना बड़ा ज्यादा इन हो गया, MD CAT के स्टूडेंट्स को अक्सर इशू आ रहे होते हैं, तो वो अक्सर अप्रोच कर रहे होते हैं, अब ऑब्वियसली वो फाइवर के थ्रू तो नहीं अप्रोच करते, बट अपने ना लिंक्स वगैरह बना के रखें, अब मतलब माशाल्लाह जितने मैंने मेडिकल कम्युनिटी के अंदर रिजवान के लिंक्स देखे हैं कि हर बंदे को वो जानता है और हर मल्टीपल बंदों के साथ उसके लिंक्स हैं, तो ऑब्वियसली उसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए फाइबर पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी प्रोजेक्ट आता है जो कि मतलब कि मुझे लगता है कि रिजवान कर सकता है, तो मैं ऑब्वियसली रिजवान को ही दूंगा, तो अपने लिंक्स भी बनाना सीखें, ये ना हो कि आप मतलब हॉस्टल डॉर्म में बैठे रहें वहां जाके क्लास में बैठे रहें, अपने लिंक्स वगैरह बनाए मल्टीपल लोगों के साथ, और क्या कहते हैं अपने लिंक्स को एक्सपेंड करें, इस तरह आपको आउटसोर्सिंग के थ्रू भी क्लाइंट्स मिल जाए करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल अना रिजवान, तकरीबन क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। अगर बच्चों आप लोगों के, मेरे भाइयों बहनों, आपके क्वेश्चंस हैं तो कर दें, ठीक है। वो असल में मेरे जबान पे चढ़ा हुआ है बच्चों कहना, हालांकि सब मेरे दोस्त क्लास मौजूद हैं यहाँ।
क्लासेस मतलब काफी ज्यादा होती थी ना तुम्हारी, मतलब गूगल मीट से, इसलिए मेरे ख्याल से आदत पड़ी हुई है। जी, मेरे फेलोज भी हैं, क्लास फेलोज भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हम आपका वेट कर रहे हैं, आपकी क्वेरीज का वेट कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। आई थिंक दैट्स ऑल। अभी आप टीचिंग के हवाले से कह रहे थे, आई विल ट्राई कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे टीचिंग की जा सकती है। वो सारे ना एक लिस्ट बना के इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूं, या एक छोटी सी वीडियो हाँ, में वो उसके बता दूं अलावा सारे, क्योंकि आई मेरे ख्याल नो। से ना इसके लिए तुम लोगों को मेडिकल कम्युनिटी को ना कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा कि वो जो जैसा तुम टीचिंग करते हो और मल्टीपल और लोग टीचिंग करते हैं, तो मतलब कि तुम्हें एज अ ब्रिज एक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल लोगों लोगों के साथ, ताकि ना मतलब कि तुम्हारा अगर एक अपना प्लेटफॉर्म बन जाए ना, तो क्या कहते हैं, डेव हब तुम लोगों के लिए हाजिर है इंशाल्लाह। वेबसाइट हम ही तुम्हें बना के देंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, तुम्हें मेडिकल बस। एजुकेशन के नाम से हमने फिलहाल 4 क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, हाँ, वो मैंने फर्स्ट देखा से, था और तो इंशाल्लाह यार हम इसे ऐसा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी हमारी तुम्हारी एक्सपेंशन जा रही है उस चीज के अंदर। तुम मतलब जी। मैं इनको यही बता रहा था कि यार मतलब जिस तरह रिजवान ने मल्टीपल जगहों के ऊपर अपने लिंक्स बनाए हुए हैं कि वो टीचिंग भी कर रहा है, वो मल्टीपल चीजें कर रहा है, वो तो जब इसने मुझे वेबसाइट के लिए डेटा थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया, मैंने तब देखा कि यार मतलब कि इतना मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। हालांकि मुझे 5 साल हो गए फ्रीलांसिंग, और ये क्या कहते हैं 3 साल मेरी कंपनी को हो गई है, जितना बड़ा माशाल्लाह इसका पोर्टफोलियो। तो अपने लिंक्स बनाए किसी भी तरह करके, अगर आपको टीचिंग का शौक है आप उस साइड पे जाए, मल्टीपल लोगों के साथ अपने लिंक्स बनाए, आपके लिंक्स ही आपका जो नेटवर्क है ना वही आपकी नेटवर्थ डिटरमिन करेगा। हमारे पास जितने भी लोकल मार्केट के प्रोजेक्ट्स आए हैं, लाहौर बार एसोसिएशन का आया है, नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का आया है, उसके अलावा मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की, इसके अलावा हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एक दफा एक प्रोजेक्ट किया था जो सेहत सहूलत कार्ड वाला था, मतलब वो एज एन इंडिविजुअल मैंने किया था वो। लेकिन ये वो सारे के सारे हमारे लिंक्स के थ्रू आए हैं, जो हमारे दोस्त जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि अबू बकर ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया। अपने लिंक्स लाजमी बनाए, जितने आप बना सकते हैं उतने ही क्या कहते हैं अपने जो है लिंक्स आप बनाए। और तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है ना। आई थिंक दैट्स ऑल। चलें, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को, अगर आप लोगों को क्या कहते हैं कुछ फायदा हुआ हो, थैंक यू वेरी मच। अगर क्या कहते हैं आप लोगों ने ज्वाइन किया इसको, और अगर आप लोगों को कोई फायदा हुआ है तो क्या कहते हैं रिजवान का ही क्या कहते हैं इसको सारा क्रेडिट जाता है यार। थैंक यू वेरी मच रिजवान, मैं तुम्हारा भी थैंक यू करना चाहता हूँ यार, तुमने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। इंशाल्लाह हम मजीद भी मैं आपको प्लेजर तंग यार। करते हैं चला जब नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज और वेलकम, सही है, ऑलवेज भी वेलकम यार। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो इनके साथ भी एक हमने वर्कशॉप करनी है सही है, भाई के इंशाल्लाह। साथ और तो तो यार मैंने भी वर्कशॉप करनी है इंशाल्लाह जरूर जरूर। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी तो मच। करेंटली मैंने एक ट्वीट किया हुआ है, बच्चों वहां पे जाके ना उसे रीट्वीट कर दें। वो मेरी कोशिश है कि जो हिशाम सरवर साहब है ना वो हमारे साथ इसी तरह आके जरा एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, ठीक है? तो उससे जरा फेवर कर दीजिएगा ट्वीट को। तो चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जजाकल्ला वेरी अल्लाह मच ताला फॉर आपको। हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। तो इसके अल्लाह साथ ही हाफिज। वेबिनार को वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों हमारे साथ थे आज। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को फायदा हुआ होगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ आपका अपना दोस्त अपना भाई रिजवान जफर इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।